26/11 के मुंबई अटैक को 12 वर्षों का समय बीत चुका है, लेकिन उस आतंकी हमले की दहशत आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। दिल्ली कैंट के पूर्व विधायक सुरेंद्र कमांडो 26/11 के हमले में एनएसजी कमांडो टीम का हिस्सा थे। इंडिया टाइम 24 न्यूज ने इस पूरे आतंकी हमले के संदर्भ में सुरेंद्र कमांडो से खास बातचीत की। देखिए ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज, आपके साथ मैं हूं प्रवीण। और आज बोली नेताजी में हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो 1999 में हुए कारगिल युद्ध का हिस्सा भी रह चुके हैं, और वर्ष 2008 में जब मुंबई में आतंकी अटैक हुआ था उसमें भी कमांडो के तौर पर देश की सेवा कर चुके हैं, और साथ ही आम आदमी पार्टी की टिकट पर इन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव जीता और दिल्ली कैंट से विधायक भी रह चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ सुरेंद्र कमांडो की। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, जय हिंद। सुरेंद्र कमांडो जी, आज मुंबई में जो आतंकी हमला हुआ था, वो काली रात जिसको 12 वर्षों का जो है समय बीत चुका है, उसकी आज बरसी है, आप उसमें हिस्सा थे कमांडो में, तो कैसा था आपका अनुभव, हमारे दर्शकों को आज आप बताएं। जो 26/11 का हमला हुआ, ऐसा हमला आज तक जो है हिंदुस्तान यानी पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं हुआ। जो पाकिस्तान से आतंकवादी आए और सीधा पाकिस्तान का तरफ से जो ना साजिश रची गई, और उस हमले में हमारे 166 लोग जो है ना शहीद हुए और लगभग 500 के आसपास लोगों को जो ना जख्मी किया। तो मैं ये कहना चाहूँगा, उस हमले में अगर आज की मौजूदा सरकार होती तो पाकिस्तान के ऊपर जो ना निश्चय नाबूद कर देती, पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देती। उस समय की सरकार ने जो है ना ढुलमुल रवैया अपनाया, नहीं तो इतने लोगों की शहादत, इतने लोगों को शहीद होने के बाद भी जो है ना मनमोहन सिंह जी मौन बैठे रहे, तो इसमें कहीं ना कहीं जो है उस हमले में जो डाउट होता है सरकार के ऊपर, मंशा ऐसी होती है। एक तरफ जिस कसाब को, जिस दुश्मन को हमने पकड़ा, उस पर 54 करोड़ रुपये लगा दिए सरकार ने, और मैं खुद कमांडो सुरेंद्र सिंह 19 महीने तक अपनी पेंशन के लिए दर दर की ठोकरें खाता रहा, और जब मैं लड़ने के लिए गया तो दो दिन का जो है, तीसरे दिन का दिन था जो मेरा बेटा पैदा हुआ था, 3 दिन का बेटा छोड़ के मैं देश की रक्षा के लिए जो ना देश के दुश्मनों को निस्तो नाबूद करने के लिए कूद पड़ा था। सुरेंद्र जी, आप 2015 में आपको जो है आम आदमी पार्टी से टिकट भी मिली, आप विधायक भी बने, आपने जनता की सेवा भी की विधानसभा में, लेकिन उसके बाद जब दोबारा चुनाव हुए तो पार्टी ने आपको मौका नहीं दिया। आजकल ये चल रहा है राजनीति में कि अगर टिकट मिलती है तो नेता देश बदलने की बात करते हैं, और अगर टिकट नहीं मिलती है तो वो पार्टी बदलने की बात करते हैं, तो आप भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं? ये जो नेता है, जो ये टीम जो जुड़ी थी, ये पूरी देशभक्तों की टीम जुड़ी थी। हम अन्ना हजारे जी के साथ में जुड़े थे, बाबा रामदेव और तमाम इस तरह की जो हस्तियां थी, सब लोग ऐसे जुड़े थे। पीछे 26/11 के हमले में हीरो रहा, उसमें 2 आतंकवादियों को मैंने मौत के घाट उतारा वहाँ। उसके बाद जो बड़ा इशू रहा, तो जब ये पार्टी जुड़ी, इस पार्टी को बनाया, हम लोग आए थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए। आप लोगों को पता है बहुत सारे एग्जाम्पल, पर धीरे धीरे वो भ्रष्टाचार को जो बदलने के लिए आए थे राजनीति को, तो हमारे जो कुछ साथी थे वो बदल गए, और उन्होंने पार्टी से बाकी को बदल दिया जी। तो जो ना कहीं भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त इस मामले को लेके, तब ये जो टिकटों का सिलसिला चला है, और इस टिकटों के सिलसिले में पैसे की लेनदारी देनदारी, बगैर पैसे किस आदमी को टिकट दिया इन्होंने, कहा जो है आदर्श शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री का पोता, कहाँ दूसरा कैंडिडेट, कहाँ कमांडो सुरेंद्र सिंह, कहाँ वीरेंद्र सिंह, कहाँ दूसरे जो 84 के दंगों में काम किया जिनके तो पिता। आपको लगता है कि जो बीते चुनाव में आम आदमी पार्टी ने टिकट डिस्ट्रीब्यूट की है, वो कहीं ना कहीं जो है लेन देन उसमें हुई है, उसके बाद जो है टिकट दी गई? हाँ बिल्कुल, पैसे से हुई, हमारे से खुद से पैसे की लेन देन हुआ, हमने पैसा नहीं दे पाए। आगे की आपका जो है पथ क्या रहेगा राजनीति को लेकर? देखो, मैं देशभक्त आदमी हूँ, पहले देश की सरहदों पर लड़ा हूँ, चाहे 26/11 का हमला हो, चाहे कारगिल की लड़ाई हो, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़क से लेके संसद तक हमेशा लड़ता रहूँगा। मैं बदलने वाला नहीं हूँ, मैं झुकने वाला नहीं, मैं टूटने वाला नहीं हूँ, और ना ही मुझे भूख है, क्योंकि मैं एक देश का सैनिक रहा हूँ, सिपाही रहा हूँ, मैं विधायक था तब भी मैंने ईमानदारी के साथ काम किया, आगे भी ईमानदारी के साथ करूंगा। रहकर देश की सेवा की, विधानसभा विधायक के तौर पर आपने जनता की सेवा की, और सेवा करने वालों की डिमांड देश में ज्यादा होती है, ऐसे में अगर
उभरती हुई पार्टी या कोई या बीजेपी ही आपको अगर मौका देती है तो क्या आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए? देखो, मैं देश का सैनिक हूँ। जहाँ मुझे देशभक्ति, जिस पार्टी में देशभक्ति, जिस पार्टी में ईमानदारी और सच्चाई से काम होगा, जिस जो पार्टी फौजियों के प्रति काम करेगी, जो पार्टी देश के हित में काम करेगी, जो देश को जोड़ने का काम करेगी, चाहे वो पार्टी हो, दल हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, उसके साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे और आगे बढ़ चढ़ कर काम करेंगे। मैं एक बार रिपीट करूँ, सुरेंद्र कमांडो का मन क्या कहता है? कौन सी पार्टी ऐसी है जो आप बता रहे हैं कि देश की सेवा करने के लिए कैपेबल है और आप वहाँ रहकर जनता की सेवा कर सकते हैं? देखो, आज कांग्रेस का जो आप बोलबाला आप देख रहे हैं, कांग्रेस के टाइम का भी देखा, बीजेपी का भी आपने टाइम देखा, और आम आदमी भी, दूसरी पार्टियां भी, आप तमाम पार्टियों को देख लो जी। इसमें कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व, जो फौज, जो देश की सेना, चाहे 370 हो, चाहे 35A हो, चाहे किसी तरह का भी मुद्दा हो, जिन मुद्दों को सुलझाने की जो ताकत रखती है वो भारतीय जनता पार्टी आज ताकत रखती है। और आज भारतीय पार्टी जो जनता पार्टी का वजूद है, और उस वजूद के साथ जो है फौजियों के प्रति, जब एक सैनिक का के खरोच लगती है तो जो लड़ाई, जब हिंदुस्तान चाइना जैसे देश के सामने जो है ना उसको नंगा कर दिया, तो ऐसी देशभक्तों की जो जो अच्छाई है वो अच्छाई कही जाएगी, और जो जहाँ कमजोरी है उस कमजोरी को भी कहने का काम हम ही लोग करेंगे। जब तक हम सत्ता वाले बंदे का उसकी अच्छाई और बुराई दोनों को जनता तक नहीं पहुँचाएंगे, तब तक जो है ना देश का भला नहीं हो सकता। मोटे शब्दों देश में, के भले में, मोटे शब्दों में अगर कहा जाए तो सुरेंद्र कमांडो इंटरेस्टेड हैं बीजेपी में ज्वाइन करने के लिए? नहीं, ज्वाइनिंग का तो ऐसा समय और उसके आधार पे काम करता। आज कोई नहीं, कोई चुनाव की इच्छा है ना कोई दूसरी तरह की इच्छा है, जनता के लिए कार्यकर्ता के तौर पर कार्यकर्ता के, हम देश के कार्यकर्ता हैं। हम जिस तरह से जो फौजी आदमी जो है वो लास्ट क्षण तक जो है ना कार्यकर्ता रहता है, जब वो आखिरी सांस लेता है तब भी आपके टैक्स से जो हम लोगों को पेंशन मिलती है, ये जो वर्दी हमने पहन रखी है ये आपके टैक्स के पैसे की पहन रखी है, आपके टैक्स से जो ना हम यहाँ तक पहुँचे, तो हम जो है नमक हराम, नमक हलाल और पूरे नमक नाम निशा को जो ना फौजी आदमी अच्छे से जानता है। फौजी आदमी सच्चाई और ईमानदारी से काम करता है। आप पूरे देश के अंदर, चाहे आपकी गली के अंदर आप देख लीजिएगा, चाहे आप संसद के अंदर देख लीजिए, चाहे विधानसभा के अंदर देख लीजिए, जितने जो ईमानदारी और कर्मठता के साथ फौजी आदमी काम करता है उतनी कर्मठता के साथ सिविलियन आदमी काम नहीं कर सकता। तो उस चीज़ को ही हम आगे बढ़ाएंगे, और लास्ट जो है आप आखिरी क्षण तक, जब इस देश के नमक के साथ में हम खड़े हैं, आपके टैक्स के पैसे से हमको पेंशन मिलती है, तो हम कदापि अपनी जान दे देंगे, चाहे कहीं किसी भी देश के प्रति कोई आँच नहीं आने देंगे। ये थे हमारे साथ दिल्ली कैंट से पूर्व विधायक सुरेंद्र कमांडो, जो देश की सरहदों पर भी देश की सेवा कर चुके हैं और बेबाकी से मेरे हर एक सवाल का जवाब दिया। साथ ही इन्होंने दिल्ली सरकार पर भी कहीं ना कहीं आरोप लगाए और कहा कि दिल्ली सरकार कोरोना के मामले में सिस्टम उनका फेल हो चुका है। इसके साथ ही सजेशन भी दे रहे हैं दिल्ली सरकार को। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।